आपकी कुछ बुनियादी बुरी आदतें न केवल आपके स्वास्थ्य को ख़राब करती हैं बल्कि आपको स्ट्रेस में डालती हैं, एंजाइटी पैदा करती हैं, आपके फोकस को बिगाड़ती हैं, आपके मन को दुखी रखती हैं और आपके सक्सेस में ये सबसे बड़ी बाधा होती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि 5 गुड हैबिट्स जो आपके लिए बहुत इसेंशियली ज़रूरी हैं और उससे आपका पूरा जीवन बदल सकता है और आप एक पॉजिटिव लाइफ जी सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ बुनियादी गलती जो डेली लाइफ में हम करते हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए। कभी भी आप हरी एंड करी में अपने जीवन को ना स्टार्ट करें, यानी आप अपनी मॉर्निंग को कभी भी जल्दबाजी में स्टार्ट ना करें। मॉर्निंग में आप अपने को एक स्लो स्टार्ट दें और सनलाइट के साथ, यानी मॉर्निंग में आप सनलाइट में कुछ समय गुजारें और उसके बाद अपने जीवन को स्टार्ट करें। दूसरा, जितना हो सके फ्रेश फूड लें, पैक्ड फूड, जंक फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब से बचें और लंबे समय तक एक पोस्चर में ना बने रहें। ये तो चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं यदि आप उनको रेगुलेट करते हैं, डेली बेसिस अपनी लाइफ स्टाइल उस तरीके से गुजारते हैं तो आपको बहुत बड़े फ़ायदे होंगे और इससे आपका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य तो ठीक होगा ही, आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में आगे डील कर पाएंगे। सबसे पहली बात है कि माइंडफुल ईटिंग करें। कभी भी हरी एंड करी में आप खाना ना खाएं। जो आपका अलॉटेड टाइम है, जिस टाइम आपको भूख लगती है उस टाइम पे खाना लें, खाने को अच्छे से चबाएं, माइंडफुल ईटिंग करें, यानी खाना खाते समय खाने के बारे में सोचें, खाने को एंजॉय करें और प्रॉपर टाइम दें अपने शरीर को, अपने ब्रेन को और अपनी सलाइवरी ग्लैंड्स हो, जिससे आपका सलाइवा अच्छे से सिक्रीट हो और आपका डाइजेशन अच्छा हो, एब्जॉर्प्शन अच्छा हो। उसके बाद आता है 8 से 10 ग्लास पानी, यानी प्लेंटी ऑफ लिक्विड डाइट, लिक्विड अपने खाने में शामिल करें, बिकॉज 70% वाटर, सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड हमें चाहिए। तो आप एक प्रॉपर रेशियो में पानी पिए और प्रॉपरली फाइबर अपने खाने में लें। डिसिप्लिन वॉकिंग, पर्सनल लाइफ में, डे टू डे ज़िंदगी में आप एक पर्सनल डिसिप्लिन रखें, उसी डिसिप्लिन से आप अपना जीवन जिए और उसी डिसिप्लिन के साथ आप काम करें। डेली एक्सरसाइज ज़रूर करें। कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज आपको दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करेगा। अच्छी नींद आएगी, स्ट्रेस कम रहेगा आपको और आपके बॉडी में ब्लड का फ्लो, यानी ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी के डिफरेंट पार्ट को प्रॉपरली होगा, जिससे कि आप एनर्जेटिक एंड हेल्दी फील करेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज आपको मदद कर सकता है, जिसमें 20 से 30 मिनट वॉकिंग, 3 to 5 मिनट डीप ब्रीदिंग एंड द 5 to 10 मिनट्स विजुअलाइजेशन, यानी फोकस मेडिटेशन या बॉडी स्कैनिंग आपको मदद करेगा। तो ये एक पॉजिटिव आस्पेक्ट है। प्रॉपरली स्लीप, यानी 7 to 8 आवर्स प्रॉपर स्लीप लें आप और स्लीप को एंजॉय करें, स्लीप को सेलिब्रेशन की तरह लें और स्लीपिंग से पहले आप प्रॉपर नीट एंड क्लीन एंड ड्राई हाइजीन का ध्यान रखें और 5 o'clock के बाद कोई भी टी, कॉफ़ी या एक्सरसाइज ना करें, जिससे कि आपकी नींद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। 5 o'clock के बाद एक्सरसाइज या फिर नारकोटिक्स या फिर टी, कॉफ़ी आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है, जिससे कि आपकी स्लीपिंग में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम पैदा होते हैं। तो ये कुछ हैबिट हैं, ये कुछ बातें हैं, यदि डे टू डे लाइफ में आप याद रखते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और आप बीमारी से बच पाएंगे। और यदि आपको कोई बीमारी है तो हीलिंग प्रोसेस में ये आपकी आदतें आपको काफ़ी हद तक मदद करेंगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।